हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? वेलकम टू ड्रोन डाइट डॉक्टर वंस अगेन। आपने टाइटल में मेरे देखे होंगे बूढ़े होते हो की फोटो। तो ये ऐप काफ़ी धूम मचा रही है, इंडिया में वायरल हो चुकी है। और ये जो जो आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, ये वीडियो इसलिए है कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस, मतलब दो तीन हैं जो काफ़ी बार मुझसे पूछे जाते हैं, तो उन्हीं का मैं जवाब देने वाला हूँ। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो सबसे पहले उसका जवाब दूंगा। काफ़ी पॉपुलर है, मैंने पहले भी कई बार बताया, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं तो बार बार डिमांड आती है, तो बार बार वीडियो बनाने की, तो फिर से अब मैंने कंपाइल कर दी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन ड्रोन्स। तो पहला क्वेश्चन है कि मैंने ड्रोन ऑर्डर कर लिया फलानी फलानी साइट से, गियर बेस्ट। अब सवाल शुरू होने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप नए चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम देते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो रहा सब्सक्राइब का बटन, और घंटा भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मेरे पास, कि मैंने ड्रोन ऑर्डर कर दिया गियर बेस्ट से, मैंने ड्रोन ऑर्डर कर दिया कहीं से, मैंने ड्रोन ऑर्डर कर दिया मतलब चाइनीज साइट से, bangoo.com से ड्रोन ऑर्डर कर दिया, कभी यहीं से, कभी कहीं से, कभी वहीं से। तो ये जगह से मैंने सब ऑर्डर किया, अब वो कन्फिस्टिकेट हो गया है, और अब मैं उसको छुड़ाऊँ कैसे? तो इसका जवाब मैं देता हूँ। अब सबसे पहले तो मैंने सबको मना किया हुआ है कि आप फिलहाल अभी ड्रोन मत मंगाएं, फिर भी आप अगर मंगा लेते हो तो 90% मैं कहता हूँ कन्फिस्टिकेट हो जाता है। और रोज़ मेरे पास कम से कम 50 ईमेल या ऐसे कमेंट्स में आता है इन्फॉर्मेशन कि हमने मंगाया और फिर भी मंगा रहे हैं, मत मंगाइए प्लीज़। अभी ड्रोन को इम्पोर्ट करने की जो है रूल अभी तक नहीं बना है, कन्फर्म्ड रूल नहीं बना है अभी ड्रोन इम्पोर्ट का, तो अभी फ़िलहाल मत करिए इसका। अगर जिसका फंस गया तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको बता देते हैं कि DGCA की साइट है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, उस पर सारा परमिशन लेना देना का सब कुछ तामझाम वहाँ पर होना है, और ये इम्पोर्ट कराने की परमिशन भी वहीं से मिलेगी। अब क्या करें जिनका फंस गया? अब जिनका फंस गया है वो वेट करें, सिर्फ वेट हो सकती है और कुछ नहीं। वेट तब तक करें जब तक ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पूरा फंक्शनल नहीं होता। अभी पूरा फंक्शनल नहीं है, अभी सिर्फ आप रजिस्टर हो सकते हैं, और अभी तो आपका ड्रोन भी रजिस्टर नहीं हो पा रहा। तो फिलहाल अभी उस पर रजिस्टर करके वेट करें कि कब वो फंक्शनल होगा। जब वो फंक्शनल हो जाएगा उसमें एक ऑप्शन है हाउ टू टेक परमिशन ऑफ इम्पोर्टिंग ड्रोन, तो वहाँ से जब आप रजिस्टर हो जाएंगे वो फंक्शनल हो जाएगा, फिर वहाँ से सारे जो स्टेप्स हैं ऑनलाइन आप फॉलो करें, इजी से स्टेप्स हैं वो, जब फिर सारे क्लियर हो जाएंगे आपको ऑनलाइन अप्रूवल आपके पास पहुंच जाएगा, फिर वो अप्रूवल आपको दिखाना पड़ेगा कस्टम डिपार्टमेंट में जाके, फिर आपका ड्रोन छूट जाएगा। तो ये अभी लंबा प्रोसीजर है। अगर आप लेंथ की बात करें कितना टाइम लगेगा, 6 से 1 साल तक लग सकता है, तो फिलहाल थोड़ी पेशेंस रखें, तभी मैंने कह रहा हूँ कि अभी मत परचेज करें। और जिन्होंने नहीं परचेज किया वो इस वीडियो से सीख लें कि अभी बाहर से मत मंगाएं। फिर लोग पूछेंगे हम कहाँ से मंगाएं, ये दूसरा पॉपुलर क्वेश्चन है कि हम ड्रोन कहाँ से लें। फिलहाल अगर आप, मैं तो कहता हूँ वेट कर लें, अगर फिर भी आपका दिल करता है लेने का तो ले लें। तो लें कहाँ से? ले वहाँ से, खुद फिजिकली जाके लें। अगर ऑनलाइन शौक है लेने का तो अमेज़ॉन पे जो अवेलेबल हैं, जो मैं बताता रहता हूँ ड्रोन्स, वही लें, क्योंकि अमेज़ॉन आपको डिलीवरी करा देता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो अमेज़ॉन से आप ले सकते हैं, या उसमें थोड़ा महंगा मिलेगा, और महंगे के चक्कर में है तो डीलर के पास जाके, कहीं भी मेट्रोज में डीलर हैं वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। तो दूसरा मैंने क्वेश्चन ये था कि कहाँ से लें, मैंने बता दिया। पहला क्वेश्चन था कि इंपोर्ट मत कराएं, कैजमेट अगर हो गया तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, वेट करनी पड़ेगी, जब वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म चालू हो जाएगा तब आपको परमिशन मिल जाएगी, और तब आपको उस अप्रूवल को दिखा के आपका जो ड्रोन है छूटेगा। तीसरा पॉपुलर क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हमारे पास ऑलरेडी DJI का ड्रोन है, जो कि मेरे पास भी है और काफ़ी लोगों के पास लिया हुआ है, डीलर से लेते थे पहले, वहीं से हमने भी लिया हुआ है, तो वो रजिस्टर हो पाएगा या नहीं? तो उसका आंसर है यस, हो पाएगा। अब कब होगा उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम यही है कि वही डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म अभी रेडी नहीं है पूरी तरह से, और वहाँ पर अभी लिस्टिंग नहीं हुई है ड्रोन्स की, पूरे सिर्फ 2 लिस्ट हुए हैं जिनका मैंने वीडियो दिखाया था, जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ लिस्ट में जाकर देख लें, न्यू ड्रोन्स विच आर रजिस्टर्ड, मतलब मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें सारा बताया हुआ है। पतंग ड्रोन पर भी अलग से वीडियो बना हुआ है, देख लें जाकर। तो वो ड्रोन्स अभी DJI का अभी लिस्ट नहीं हुआ, जब होगा तब आपको पता लग जाएगा। एक पॉपुलर क्वेश्चन और आता है कि DJI कब लिस्ट होगी, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था पहले कि DJI लिस्ट हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, वो अभी मार्केट को जज कर रहे हैं, उनको भी लग नहीं रहा कि स्टेबल मार्केट होगी इंडिया में, यस और नो ऐसी जजमेंट की जा रही है, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूँ
कि ये जो इंडस्ट्री है तहलका मचाने वाली है, मोबाइल इंडस्ट्री की तरह मोबाइल इंडस्ट्री का भी बाप बन जाएगी ये आने वाले टाइम में। तो जो जो बिजनेसमैन देख रहे हैं इस वीडियो को, और मेरा खुद का भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि आने वाले टाइम में जब लीगलाइजेशन पूरी तरह से मतलब प्रॉपर प्रोसेस बन जाएगा ड्रोन को लेने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, तो मैं खुद चाहूँगा कि हमारा भी एक डीजे स्टोर, डीजे का स्टोर हो इंडिया में खुले, जिससे आप ऑफिशियली विद वारंटी दिल के इत्मीनान से ड्रोन्स खरीद पाएँ। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो सुन, ये आपको हेल्प करेगा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो, क्योंकि इस पर मैं रेगुलरली रेगुलेशन से भी रिलेटेड सब अपडेट देता रहता हूँ। तो ये थे कुछ सवाल जो काफ़ी पूछे जाते हैं मुझसे बार बार, तो मैंने आपको बता दिया। और फिर से आपका मज़ा लेना है तो जैसे मैंने थंबनेल पे अपनी बुढ़ापे की फ़ोटो लगाई थी तो काफ़ी वायरल हो गया इंडिया में, पॉपुलर हो गया, तो इसलिए मैंने थंबनेल पे लगा दिया। तो आपको होप काफ़ी लोगों को पसंद आ रही फ़ोटो, मैंने फेसबुक पे शेयर की है। और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैंने सबके लिंक दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, हालांकि फेसबुक पे काफ़ी लोग आ गए हैं, बाकी फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको हमारी छोटी छोटी अपडेट्स मिलती रहती हैं, वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। इंस्टा पे भी कभी कभी, मेरी फोटोग्राफी में बहुत मेरा शौक है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब मेरे हॉबीज़ हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैं काफ़ी चीज़ें डालता रहता हूँ। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है पॉपुलर क्वेश्चन के मैंने आंसर कर दिए हैं ऑलरेडी, फिर भी कोई पॉपुलर क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, अलग से वीडियो बन जाएगा पूरे क्वेश्चन आंसर सेशन में। और होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, जय माता दी।